आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि HDFC बैंक प्रीपेड कार्ड की नेट बैंकिंग को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, मेरे पास एक कमेंट आई थी हमारे एक भाई की, जिन्होंने मुझे ये मैसेज किया था कि आप मुझे नेट बैंकिंग के बारे में एक डिटेल में वीडियो बनाकर दीजिए। उनकी कमेंट आपको नीचे डिस्प्ले पर शो हो रही होगी, नाम और कमेंट दोनों ही शो हो रहा होगा। तो इन्हीं की वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और मैं काफ़ी दिन से बिज़ी चल रहा हूँ इसलिए मैं वीडियो भी अपलोड नहीं कर पा रहा था। जो मैंने आज सुबह वीडियो अपलोड की है वो भी काफ़ी दिन से शूट हुई रखी थी, लेकिन मैं एडिट नहीं कर पा रहा था, इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। और अभी भी आप देख सकते हैं कि मैं रात में वीडियो शूट कर रहा हूँ छत पर खड़ा होकर, थोड़ी सी लाइटिंग आ रही है, इसीलिए दिन में भी आज भी मैं दिन में बिज़ी था, इसीलिए वीडियो ना तो शूट कर पाया हूँ ना एडिट कर पाऊँगा। अब मुझे रात को ही एडिट करनी होगी सोने से पहले, इसीलिए मैं इस वीडियो को अभी शूट कर रहा हूँ। सो गाइस, अगर आप भी चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पर आपको वीडियो बना कर दूँ, या आपकी समझ में कोई चीज़ नहीं आ रही और आप चाहते हैं कि हम ये चीज़ अच्छे से समझें, तो आप मुझे वो कमेंट करके नीचे बॉक्स में बता दीजिए। मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी आपको उस टॉपिक पर एक अच्छी सी वीडियो बनाकर दे सकूँ फुल डिटेल्स में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। HDFC बैंक प्रीपेड कार्ड की नेट बैंकिंग को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र में आना होगा। क्रोम ब्राउज़र में आने के बाद हमें यहाँ पर लिखना होगा HDFC बैंक प्रीपेड कार्ड नेट बैंकिंग .com। ये लिखने के बाद देखिए हमारे सामने फर्स्ट नंबर पर ही शो हो रहा है प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड HDFC बैंक, हम इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए हमारे सामने फर्स्ट वाला ही जो ऑप्शन शो हो रहा है उस पर लिखा है फॉरेक्स प्लस कार्ड, हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए अब हमारे सामने यहाँ पर लिखा आ रहा है यूज़र आईडी और कार्ड नंबर, जो हमारा कार्ड नंबर है वो हम यहाँ पर डाल देंगे, और जो हमने पासवर्ड बनाया हुआ है वो हम यहाँ पर डाल देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर अपने कार्ड नंबर से भी लॉगिन कर सकते हैं, या आपकी जो यूज़र आईडी है उससे भी लॉगिन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन किया हुआ है, क्योंकि मैंने अपने मोबाइल नंबर को ही अपनी लॉगिन आईडी बनाया हुआ है। तो हम यहाँ से लॉगिन पर क्लिक करेंगे, और ये देखें हमारे सामने हमारे प्रीपेड कार्ड की नेट बैंकिंग जो है वो लॉगिन हो चुकी है, हम इसमें एंटर कर चुके हैं अंदर। अब देखें हम यहाँ से अकाउंट पर क्लिक करके अपने अकाउंट की समरी देख सकते हैं। जैसे हम समरी पे क्लिक करेंगे, मैं जिस कार्ड से पैसे ऐड करता हूँ वो कार्ड नंबर यहाँ पर सेव है, और आप नीचे देख सकते हैं कि मेरे अकाउंट में करंट बैलेंस जो है 14.40 रुपये है, मतलब मेरे प्रीपेड कार्ड में। ये हमारे बैंक अकाउंट से लिंक नहीं होता है। अगर आपका अकाउंट एक्सिस बैंक में है तो आप तब भी इस कार्ड को ले सकते हैं। चलिए मैं यहाँ से बैंक आ जाता हूँ। अब यहाँ से मिनी स्टेटमेंट पर क्लिक करके अपने प्रीपेड कार्ड की मिनी स्टेटमेंट भी ले सकते हैं कि आपने इससे मंथली कितना खर्च किया है। हम यहाँ से भी बैंक आ जाते हैं। अब देखिए जैसे कि हमारे सामने यहाँ पर लिखा हुआ एक रीलोड, और जैसे अब हमें पैसे ऐड करने हैं अपने अकाउंट अपने कार्ड में, तो हम यहाँ पर रीलोड पे क्लिक करेंगे। और देखिए जितने भी पैसे हमें ऐड करने हैं वो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, हमें सिर्फ यहाँ पर रीलोड पे क्लिक करना है। और रीलोड पे क्लिक करने के बाद देखिए हमें यहाँ पर अमाउंट डालनी है जितनी हम ऐड करना चाहते हैं। हम यहाँ पर लिखा हुआ रीलोड अमाउंट, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और अमाउंट डाल देंगे, जैसे मुझे 500 रुपये ऐड करने हैं। इसके बाद हम यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करेंगे। देखिए अब हमारे सामने नेक्स्ट पेज आ चुका है, हम यहाँ से नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं आप कि हम 500 रुपये जो ऐड कर रहे हैं वो लिखा हुआ, यहाँ पर इसकी फ़ीस कुछ नहीं है और GST भी कुछ नहीं है। आप यहाँ से अलग तरीके से भी पैसे ऐड कर सकते हैं, मतलब आप यहाँ पर दूसरे कार्ड से भी पैसे ऐड कर सकते हैं, जो आपने कार्ड सेव किया है आप उससे भी पैसे ऐड कर सकते हैं, प्लस HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड से भी ऐड कर सकते हैं, या आपके पास कोई और कार्ड है, कोई और क्रेडिट कार्ड है, आप उससे पैसे ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहां पर ऐड कर सकते हैं और उससे पैसे ऐड कर सकते हैं। चलिए हमें इसी से करना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे जो कि हमने किया हुआ है। अब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए हमारे सामने ये आ चुका है, हम यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। जैसे हम कन्फर्म पर क्लिक करेंगे तो हमारे नंबर पे एक OTP सेंड किया जाएगा, जो भी हमारा बैंक में रजिस्टर होगा जिस कार्ड से भी हम पैसे ऐड करना चाहते हैं, तो हमारे नंबर पे जो OTP आएगा हम उसको डाल के सबमिट करेंगे, तो हमारे इस वाले कार्ड में पैसे ऐड हो जाएंगे जितने भी हम ऐड करना चाहते हैं। तो मुझे पैसे ऐड नहीं करने, मुझे सिर्फ आपको दिखाना, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। बाकी इस कार्ड की अनबॉक्सिंग और इस कार्ड को कैसे यूज़ करना है वो सब कुछ मैंने पहले एक वीडियो में दिखाया हुआ है, मैं उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप जाकर देख लेना। चलिए अब हम यहाँ से भी कैंसिल कर देते हैं। तो देखिए आप यहाँ से मैनेज माई प्रोफाइल, हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ से हम अपनी प्रोफाइल को मैनेज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करके अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। देखिए ये हमारा कार्ड नंबर है,
कि हमारा नाम आ चुका है यहाँ पर। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, तो हम इस पर क्लिक करके अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। हम चाहें तो इसको एडिट भी कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड ऑप्शन है परमानेंट एड्रेस, हम इस पर क्लिक करके अपना परमानेंट एड्रेस भी देख सकते हैं कि हमने क्या डलवाया हुआ है बैंक। परमानेंट एड्रेस पर क्लिक करके हम अपना परमानेंट एड्रेस भी देख सकते हैं यहाँ पर। और चौथा ऑप्शन है इसमें पैन कार्ड नंबर का, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और हमारे सामने हमारा पैन कार्ड नंबर जो है वो आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर थ्री लाइन पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने सब कुछ वही डिटेल्स आ जाएंगी जो हमें बाहर ऑप्शन में शो हो रही थी। आप यहाँ से कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करके इनके साथ कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो आप उसको शेयर कर सकते हैं। इसमें सभी कंट्री के नंबर दिए गए हैं, देखिए जिस कंट्री में भी आप रहते हैं उसी का नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। जैसे इंडिया में रहता हूँ मैं, तो इंडिया का ये रहा फर्स्ट वाला ही। आप इसको कॉपी करके यहाँ से या नोट करके डायल करके आपकी जो भी कंप्लेन है वो आप रेज कर सकते हैं। यह एक दूसरा तरीका है कि आप ईमेल के थ्रू भी इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिस पर आपको सिंपली क्लिक करना होगा क्लिक हियर टू ईमेल अस, हम इस पर क्लिक करेंगे। और देखिए क्लिक होने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा। अब जिस चीज़ से भी हमें रिलेटेड कंप्लेंट करनी है तो वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ से प्रोडक्ट में जाके अपनी सर्विस सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मुझे बैंक अकाउंट में दिक्कत आ रही है, या यहाँ से आप दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए कि आपको आधार कार्ड अपडेट कराना है, और यहाँ से आप थर्ड में आधार कार्ड नंबर अपडेट करके ऐसे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपकी कंप्लेंट जो है रेस हो जाएगी। और एक चीज़ इसमें और दी गई है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है आर यू एन HDFC बैंक कस्टमर, अगर आप HDFC बैंक के कस्टमर है तो आप यस पे क्लिक कीजिए, और नहीं है तो आप नो पर क्लिक कीजिए। तो चलिए अब मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ। ये देखिए हम फिर से होम स्क्रीन में आ चुके हैं। अब मैं इसकी एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, हम यहाँ पर अकाउंट पर क्लिक करेंगे फिर से, और देखिए यहाँ पर हम ट्रांजेक्शन हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं, हम अपनी स्टेटमेंट भी मंगवा सकते हैं उसकी रिक्वेस्ट डालकर, हम यहाँ से अपने प्रीपेड कार्ड का पिन भी चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से हम इस कार्ड को ब्लॉक भी कर सकते हैं। इस कार्ड को हम लॉक और अनलॉक दोनों ही कर सकते हैं, यहीं से इस कार्ड को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अगर आपको पिन चेंज करना है तो हम चेंज पिन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से आपको अपना कार्ड नंबर सेलेक्ट कर लेना होगा। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना होगा, क्वेश्चन का आंसर देने के बाद आपको यहाँ पर कार्ड नंबर की एक्सपायरी डेट डालनी होगी, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी। इसके बाद हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक दूसरा पेज आ जाएगा जहाँ से हमें ओल्ड पिन डालना होगा, फिर अपना न्यू पिन डालना होगा, फिर एक बार से हम दोबारा से न्यू पिन डाल के इसको कन्फर्म करेंगे तो हमारा पिन जो है वो चेंज हो जाएगा। सो गाइस बस इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि इस कार्ड में ज़्यादा कुछ खास तो है नहीं जो मैं आपको डिटेल्स में बताऊं, जो था वो मैंने आपको सब कुछ डिटेल्स में बता दिया है। इसमें ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, थोड़े ही ऑप्शन हैं, वो सारे के सारे ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं। सो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और मैं उन भाई को भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे ये वीडियो बनाने के लिए कहा। अगर आप भी ऐसी ही वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि इस चीज़ से ना मुझे मोटिवेशन मिलती है। मैं खुद सोच रहा था कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, क्योंकि काफ़ी दिन बाद वीडियो बना रहा था तो मुझे कोई टॉपिक नहीं मिल पा रहा था, और जैसे उन भाई ने कमेंट किया तो मुझे अच्छा लगा, तो मुझे एक टॉपिक भी मिल गया वीडियो बनाने के लिए। सो गाइस लव यू एंड थैंक यू मुझे ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए। सो गाइस आज की इस वीडियो में आपने जाना कि आप HDFC बैंक प्रीपेड कार्ड की नेट बैंकिंग को कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसमें पैसे कैसे ऐड कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स कैसे ले सकते हैं, उसमें कितना बैलेंस अवेलेबल है, हम ये सब कैसे चेक कर सकते हैं। तो गाइस आप देख रहे होंगे कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, और वीडियो को हमारे देखते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो सकें। अगर आपके पास कोई टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं उस पर आपको अच्छे से वीडियो बना कर दूं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, मैं उस टॉपिक पर आपको वीडियो बना कर दे दूंगा। सो गाइस मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर अभी भी आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।